विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तमाम दल राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी भी पूरा दमखम दिखा रही है। 3 जनवरी यानी कल अरविंद केजरीवाल की जनसभा है और इस जनसभा के लिए पार्टी जो है वो तैयारियां कर रही है। देहरादून के परेड ग्राउंड में इस जनसभा को रखा गया है। इससे पहले यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भी जनसभा कर चुके हैं। तो एक बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने है कि कैसे इस जनसभा को सफल बनाया जाए, क्योंकि इन दोनों जो दोनों पार्टियां हैं उनके बड़े नेताओं ने यहां पर जनसभा की है, तो उससे ज़्यादा भीड़ यहां पर जुटाकर प्रदेशव्यापी संदेश कैसे पहुंचाया जाए इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और पार्टी के तमाम नेता फिलहाल कैसा ये मंच होगा, किस तरह से मंच सजाया जाए, जो विशिष्ट अतिथि होंगे उनको कहाँ पर बैठाया जाएगा, लोगों की जो भीड़ है वो कितनी रहेगी आकलन के हिसाब से, और उस हिसाब से कुर्सियाँ लगाई जाए, इन तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो पूरा जो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं ये परेड ग्राउंड है, और यहाँ पर ही क्योंकि ये जनसभा होने वाली है तो व्यवस्थाएं यहाँ पर तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो कर रहे हैं, और कुर्सियों की व्यवस्था से लेकर तमाम जो दूसरी व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही हैं। और ख़ास तौर पर मंच को कैसा रखा जाएगा और जो प्रोटोकॉल होते हैं वो प्रोटोकॉल भी यहाँ पर फॉलो किए जाएँ, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो हाँ बिल्कुल, नहीं इसमें चुनौती जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बड़े नेताओं ने, हर पार्टी के बड़े नेताओं की रैली हो रही है, और केजरीवाल जी की रैली में तो आप देख रहे हैं पिछले भी जो रोड शो हुए हैं, चाहे वो हल्द्वानी का हो, देहरादून का हो या हरिद्वार का हो, संख्या की किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं रही है, क्योंकि जनता को लाने की जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी के नाम पर जनता खुद अपने आप परिवर्तन के लिए पहुँच रही है। मैं कैंपेन कमेटी का स्टेट चेयरमैन हूँ, अध्यक्ष हूँ दीपक बानी। दीपक जी, कल केजरीवाल जी आ रहे हैं, कितना प्रमुख होगा उनका दौरा, कितने लोग आप लोग जुटा रहे हो और कल क्या बड़ा ऐलान हो सकता है? देखिए ऐलान का तो जब केजरीवाल जी आते हैं तो वही करते हैं और वही बताते हैं कि जो वो घोषणा करेंगे, लेकिन घोषणा ज़रूर होगी कुछ ना कुछ, और गारंटी ज़रूर आएगी कोई ना कोई, जिस तरीके से उन्होंने पिछले दौरों में हमेशा एक गारंटी की बात की है हर बार, ऐसा ही कुछ और होगा। दूसरा संख्या की बात यह है कि लग रहा है उसी पर डिस्कस कर रहे हैं और विजिट कर रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि मैदान छोटा पड़ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता जो है परिवर्तन के मूड में है, और जहाँ जहाँ पर भी पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं जनता अपनी पूरी संख्या के साथ पहुँच रही है हमारे नेताओं को सुनने जा रही है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि कल जब अरविंद केजरीवाल की जनसभा होगी तो इसमें लोगों की कैसा उत्साह होगा लोगों का, और आम आदमी पार्टी को लेकर प्रदेश की जनता है, जो अरविंद केजरीवाल को लेकर प्रदेश की जो जनता है वो अपना क्या रुख दिखाती है, या फिर किस तरह की भीड़ जो है वो पार्टी जुटाने में कामयाब होती है। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए नवीन उनियाल।